केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चित्तौड़गढ़ में भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की भाजपा सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर जनता ने बहुमत प्रदान किया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जिस तरह से पिछले 10 साल तक हरियाणा राज्य में सुशासन दिया है, पर्ची और खर्ची की जो व्यवस्थाएं हरियाणा में होती हुआ करती थी उनको समाप्त किया है, तो हरियाणा का सामान्य व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की नीतियां और हरियाणा की मनोहरलाल खट्टर सरकार और बाद में नायब सिंह जी की सरकार के द्वारा, मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अपने आप को या हरियाणा को अव्वल स्थान पर हमेशा रखा, उसके चलते हुए हरियाणा की जनता को भरोसा था, आम लोगों को भरोसा था, उनका विश्वास था और उस विश्वास ने जो है भारतीय जनता पार्टी को परिणाम का यह आशीर्वाद दिया है। उससे पहले के 10 साल में जिस तरह का कुशासन, जिस तरह का जातिवाद, जिस तरह का परिवारवाद, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह की दुर्व्यवस्था लगातार हरियाणा ने देखी, हुड्डा साहब के शासन के समय, चौटालाओं के शासन के समय में, हरियाणा की जनता के दिल और दिमाग से उसके खौफ अभी तक हटा नहीं था। इसलिए हरियाणा की जनता ने जातिवाद, परिवारवाद, अलगाववाद, बिखरावाद, इन सब से आगे बढ़कर, इन सबसे ऊपर उठ करके विकासवाद को प्राथमिकता।